अब आपके सामने है क्लास 7 इंग्लिश रीडर की एक पोयम ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज बाय विलियम शेक्सपियर की क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। तो अगर आपने पोयम का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, मेंस एक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एजेस। तो आंसर है इसका 7। सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर व्हाट इज द वर्ल्ड। तो आंसर है इसमें सेकंड का आंसर अ स्टेज। हु म्यूज एंड प्यूक्स इन द नर्स आर्म, यानी नर्स के बाजुओं में कौन है जो राल टपकाता है और हल्की आवाज में रोता है। तो वो है एक छोटा बच्चा, द इन्फेंट। नेक्स्ट है, इन विच एक्ट डस मैन फील जेलस इन ओनर। आंसर इसमें 4th। वेन डस मैन टर्न अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रबल। आंसर इज फाइनल। नेक्स्ट है, आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट आर द 7 स्टेजेस ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, मेंशन द नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच स्टेज। आंसर इसमें, ह्यूमन लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 स्टेजेस। फर्स्ट पॉइंट, इन्फेंट यानी एक बच्चा, हु इज टोटली हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट, यानी वो बच्चा जो बिल्कुल हेल्पलेस है और दूसरों पर निर्भर करता है। सेकेंड है, स्कूल गोइंग बॉय, जो ना चाहते हुए भी स्कूल जाता है। थर्ड, लवर, हु हैव्स डीप साइट इन द एब्सेंस ऑफ हिज बिलव्ड। लवर यानी जिसे अपने बिलव्ड यानी अपने पार्टनर के लिए, जो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा चाहता है। नेक्स्ट है, सोल्जर, हु इज ऑलरेडी टू सेक्रीफाइस इवन हिज लाइफ फॉर अ शॉर्ट लाइफ रेपुटेशन। सोल्जर जो कि अपनी जीवन को त्याग करने के लिए तैयार है, वो भी एक छोटी सी, मतलब कुछ समय के लिए, रेपुटेशन के लिए, ठीक है, सम्मान के लिए। नेक्स्ट है, जज, ही शो ऑफ हिज विजडम एंड नॉलेज टू इम्प्रेस अदर। जज यानी वो पर्सन जो अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के से और अपनी बुद्धिमानी से लोगों को इम्प्रेस करता है। नेक्स्ट है, ओल्ड पेंटलून, यानी वो इतना कमज़ोर हो जाता है व्यक्ति कि उसके कपड़े ढीले लगने लग हो जाते हैं और वो फनी लगने लगता है। नेक्स्ट है, लास्ट स्टेज, वो स्टेज जब मैन बिल्कुल चाइल्ड लाइक बन जाता है, वो अपनी सारे सेंसेस को खो देता है, उसे समझ नहीं आता कि उसके आसपास हो क्या रहा है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट व्हाई डज द स्कूल बॉय वॉक एट अ स्नेल पेस, इज इट नॉट हैप्पी। कि स्कूल बॉय एक स्नेल की तरह क्यों चल रहा था, क्या वो इस वहाँ पर कहीं जाने से खुश नहीं था। तो आंसर है इसमें, ही वॉक टू स्कूल एज स्लोली एज अ स्नेल, द स्कूल बॉय सल्क एज ही डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल, नो ही इज़ नॉट हैप्पी टू गो टू स्कूल। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि लड़का स्नेल की तरह धीमे चल रहा था क्योंकि वो स्कूल जा रहा था, और स्कूल जाने वाले लड़के को ज़्यादातर स्कूल जाने वाले लड़के को स्कूल जाने में क्या होती है, नापसंदगी होती है, यानी वो उनका मन नहीं करता। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि वो स्कूल धीरे धीरे जा रहा था, और आंसर ये भी है कि वो स्कूल जाने में बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं कर रहा था। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डस डू इन द थर्ड एक्ट। थर्ड एक्ट में क्या हुआ, अ मैन प्ले अ लवर रोल बाय बिजलिंग कंपोजिंग बैलेड फॉर हिज लव्ड, ही यर्न फॉर हर अटेंशन। कि थर्ड रोल में क्या हुआ था, एक मैन जो कि लवर बन जाता है, वो अपने बिलव्ड के लिए, अपने प्यार के लिए दुख भरा गीत गाता है या दुख भरी गाथा सुनाता है, उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। नेक्स्ट है, 4th, व्हाट मेक द सोल्जर क्विक इन क्वेरल। आंसर इसमें, अ सोल्जर एस्पायर टू होनर फॉर हिज बिहेवियर। कि एक सोल्जर अब सम्मान पाने के लिए पूरी बहादुरी से, मतलब बहादुरी दिखाता है जिससे कि वो सम्मान पा सके। द सोल्जर हु इज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ डोंट नो इवन हिज रेपुटेशन इज शॉर्ट लिव एज अ बबल दैट बर्स्ट इन नो टाइम। कि एक सोल्जर जो अपनी जिंदगी को त्याग करने के लिए तैयार है सिर्फ सम्मान के लिए, वो सम्मान जो कि कुछ समय के लिए ही है, जैसे कि कोई बबल जो कि कुछ ही समय बाद ब्रस्ट हो जाएगा यानी फूट जाएगा। क्वेश्चन 5, हाउ डस अ मैन प्ले हिज पार्ट एज द जस्टिस। आंसर इसमें, एज ही ग्रो ओल्डर द मेच्योरिटी एंड विजडम ही बिकम अ फेयर जज। जैसे ही इंसान बड़ा होता है तो उसकी मेच्योरिटी बढ़ जाती है, यानी उसकी समझदारी, आसपास की चीज़ों को समझना परखना उसे आने लगता है, ठीक है, उसकी बुद्धिमानी बढ़ जाती है, तो वो लोगों को जज करने लगता है, उनको सुझाव देने लगता है। एट दिस स्टेज मैन इज
प्रोस्पेरस एंड वेल फेड। इस स्टेज में इंसान बहुत ज़्यादा मतलब खाने लगता है। ही लुक स्टर्न एंड इम्प्रेसिव, ही इज़ फुल ऑफ वाइस सेइंग एग्जाम्पल फॉर कंटेम्प्रेरी लाइफ टू प्रूव हिज पॉइंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी वो बातें सुनाता है अपनी नॉलेज की, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बहुत से एग्जाम्पल्स देता है जिंदगी के। ठीक है, तो अब आती हैं इसमें आंसर दिस क्वेश्चन विथ रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में। पोएम की लाइन दी गई है और फिर पूछा गया है व्हाट हैज़ द वर्ड बीन कंपेयर टू, हाउ सॉरी व्हाट हैज़ द वर्ल्ड बीन कंपेयर टू। आंसर इसमें द वर्ल्ड इज कंपेयर टू अ ड्रामा स्टेज। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एग्जिस्ट एंड एंट्रेंस। मैंने पहले ही पोएम बताया है कि एग्जिस्ट और एंट्रेंस क्या है। एग्जिट का मतलब है कि डेथ, जब जिंदगी ख़त्म हो जाती है तो उसको एग्जिट कहा गया है, और एंट्रेंस मतलब जब हमारा जन्म होता है। द आंसर है इसमें द वर्ड एग्जिट एंड एंट्रेंस मीन्स बर्थ एंड डेथ। इन अ ड्रामा एवरी प्ले इंटर द स्टेज एक्ट हिज हर पार्ट देन एग्जिट। इन द सेम वे वी इंटर इन दिस वर्ल्ड बाई बर्थ, वी लीड अवर लाइफ इन डिफरेंट कैरेक्टर, वी एग्जिट फ्रॉम दिस वर्ल्ड एट द टाइम ऑफ आवर डेथ। मतलब क्या है कि एक ड्रामा में जैसे जब कोई नाटक होता है तो एक कैरेक्टर स्टेज पर आता है, एंटर होता है, और फिर काम ख़त्म होने के बाद वो एग्जिट हो जाता है। वैसे ही हम भी इस ज़िंदगी में एंटर होते हैं जब हम जन्म लेते हैं, और एग्जिट तब होता है जब हमारी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दिस लाइन। तो आंसर इसमें मेटाफर। नेक्स्ट लाइन दी गई है और उनके क्वेश्चन पूछा गया है विच सेंस इज बीन स्पोकन अबाउट हियर। द आंसर इज द लास्ट स्टेज ऑफ अ मैन इज बीइंग स्पोकन अबाउट हियर। बी क्वेश्चन हाउ इज द लास्ट एक्ट लाइक सेकेंड चाइल्डहुड। आंसर इज अ चाइल्डहुड कैन नॉट सी स्मेल टेस्ट एनीथिंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड। कि एक बच्चा बचपन में ना तो ठीक से चीज़ों को देख पाता है, ना ही ठीक से सुन पाता है यानी समझ पाता है, ना ही स्मेल कर पाता है, ना ही टेस्ट उसको पता चलता है जब छोटा बच्चा होता है। जैसे ही एक मैन ओल्ड हो जाता है, धीरे धीरे वो भी अपने सेंसेस को खोना शुरू कर देता है। उसकी सुनने की, देखने की, स्मेल करने की, टेस्ट करने की सारी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं जैसे कि एक बच्चे की होती है। तो इसलिए इस स्टेज को सेकेंड चाइल्डहुड कहा गया है। सी क्वेश्चन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्टेज। आंसर इसमें द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्टेज आर लूसिंग ऑफ सेंस ऑफ साइट हेयरिंग स्मेल एंड टेस्ट। अब आती हैं थिंक एंड आंसर्स में। विच स्टेज डू यू थिंक इज अ हैप्पीएस्ट एंड विच इज द सैडेस्ट वन। आपको कौन सा लगता है कि कौन सी स्टेज सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट है और कौन सी सबसे ज़्यादा सैडेस्ट। आंसर इसमें आई थिंक फिफ्थ स्टेज इज द हैप्पीएस्ट वन। द स्टेज ऑफ बींग अ जज इज परहैप्स द बेस्ट एज दिस स्टेज इज मैन इज प्रोस्प्रेस एंड वेल फेड, ही लुक स्टर्न एंड इम्प्रेसिव, ही इज फुल ऑफ वाइस एंड सेइंग एग्जाम्पल फॉर कंटेम्प्रेरी लाइफ टू प्रूव हिज पॉइंट। यानी कि फिफ्थ स्टेज हैप्पीएस्ट है, हमें लगता है इस बात को, मतलब फिफ्थ स्टेज हैप्पीएस्ट इसलिए है क्योंकि इस स्टेज के दौरान इंसान जज करने लगता है दूसरों को, और वो इस स्टेज के दौरान इंसान के में ज्ञान बहुत ज़्यादा आ जाता है, उसे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, उसे सुझाव देने बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं। सेवन्थ स्टेज को सैडेस्ट क्यों बताया गया है, क्योंकि सेवन्थ स्टेज वो है जिसमें सेकेंड मतलब जिस स्टेज को सेकेंड चाइल्डलेस बताया गया है, इसमें हम दूसरों पर निर्भर होने लगते हैं। जैसे कि बच्चा दूसरों पर निर्भर होता है, तो ऐसे ही ओल्ड मैन भी बच्चों पर निर्भर होने लग जाता है। इस एज के दौरान हमारी टीथ, हमारे सेंसेस, हमारे टेस्ट सब कुछ हमसे खो जाते हैं, मतलब हमसे दूर हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज इन योर ओपिनियन इज द थीम ऑफ मोनोलॉग ऑल द वर्ल्ड स्टेज। आंसर इसमें थ्रू दिस मोनोलॉग शेक्सपियर गिव अस द मैसेज ऑफ द सॉरी यहाँ पे ये लाइनें जो है ऊपर नीचे हो गई हैं, वैसे सारी लाइनें एक जैसी ही हैं। यहाँ पर ये इसी के बाद लाइन आती, ठीक है, ये लाइन इसी के बाद आएगी, बस ये लाइन थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, इसलिए आपको लगेगा कि ये अलग अलग है। ये अलग नहीं है, सिर्फ एक ही है पूरा पैराग्राफ। ठीक है, थ्रू दिस मोनोलॉग शेक्सपियर गिव अस द मैसेज ऑफ द इम्प्रीमेंस ऑफ लाइफ, हाउ क्विकली द गेम ऑफ आवर लाइफ कम्स टू एन एंड एंड स्ट्रेंज इवेंट एंड इन द पोर्ट्रेट इन दिस स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है।
अगर मैं फिर से बता दूं, अगर पोएम नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है उसके लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।